बच्चों, आज हम आपको विलयन को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताएंगे कि कारक किस प्रकार से विलयन को प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं। इसको बताने के लिए सबसे पहले हमने पिछले पीरियड में आपको बताया कि विलयन क्या है। विलयन जो कि विलय और विलायक दोनों से मिलकर बना हुआ है, और विलायक और विलय को मिलाने से विलयन का निर्माण होता है। और ये जो विलयन है, इस विलयन को जो भौतिक अवस्थाएं हैं ये इसको प्रभावित करती रहती हैं, जिसमें आप देखेंगे कि ताप है, दाब है, ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस पर प्रभाव डालती रहती हैं विलयन पर। जैसे कि यदि हम इसमें सबसे पहला विलयन लेते हैं, द्रव में गैस की विलयता, द्रव में गैस की विलयता है, जो कि पिछले पीरियड में हम आपको बता चुके हैं कि द्रव में किस प्रकार से गैस घुली हुई होती है, और उसका उपयोग विभिन्न प्रकार से जीव जंतु जो है करते रहते हैं। जैसे कि एक प्रयोग होता है प्रकाश संश्लेषण का। प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप सभी जानते हैं कि अगर कोई पौधा पानी के अंदर मौजूद है हाइड्रिला का एक पौधा होता है, ये प्रयोग आप दसवीं में देख चुके होंगे कि इसमें हाइड्रिला के पौधे को हम पानी के अंदर डाल देते हैं और उसको धूप में रख दिया जाता है। धूप में रखने से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो ऑक्सीजन गैस जो कि पानी में घुलनशील है, और ये ऑक्सीजन जो है पानी के अंदर मौजूद है, और ये बुलबुलों के रूप में हमें इस परखनली में ऊपर निकलती हुई दिखाई देती है, और यहाँ आकर ऑक्सीजन जमा हो जाती है। तो जितने भी जीव, जितने भी जलीय जीव जो कि पानी में होते हैं, उनमें ऑक्सीजन घुली हुई होती है, और उसमें मौजूद जीव इस ऑक्सीजन का उपयोग करते रहते हैं, ये आप सभी को पता है। तो द्रव में गैस की विलयता है, या द्रव में गैस घुली हुई है और उसकी विलयता के कारण वे जीव जो है उस ऑक्सीजन का उपयोग कर रहे हैं। मछली है तो उसका उपयोग कर रही है, लेकिन निर्मित किसके द्वारा हो रहा है? पौधों के द्वारा निर्मित हो रहा है। तो यहाँ पर जो द्रव में गैस की विलयता है, ये हमें पानी में मिलती है या पानी में घुली हुई होती है, जिसका उपयोग पानी में रहने वाले जीव जंतु करते हैं। तो इसको किस प्रकार से प्रभावित कर रही है, इसके लिए हम सबसे पहला ताप, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है विलयता पर? जैसे कि हम पानी को गर्म करते हैं, पानी को हमने गर्म किया, पानी जो कि एक विलायक है, इसे हम गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने से क्या होगा, इसके भाप के कण ऊपर उठेंगे, और यदि यहाँ पर इसको हमने ढक्कन के द्वारा इसे ढक दिया है, इस पात्र को यदि ढक्कन के द्वारा ढक दिया है, नीचे हम बर्नर की सहायता से इस पानी को गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने से ये पानी गर्म होगा और इसकी जो भाप है जो कि गैसीय अवस्था में होगी, जल वाष्प के रूप में होगी, ये यहाँ पर आकर टकराएंगी और यहाँ पर भाप के कण जमा हो जाएंगे। ये भाप के कण, भाप के कण जमा हो रहे हैं, और भाप के कण के जमा होने के कारण कुछ समय के पश्चात ऐसा होगा कि यहाँ की जो जल की जो विलयता है ये कम हो जाएगी, भाप के कण ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे कि आप देखे होंगे कि जो प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है, और सामान्य गंज में यदि आप खाना बनाते हो तो उसके लिए समय लगता है आपको। क्यों लग रहा है? क्योंकि जो प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर में जो वायु का दबाव है या जलवाष्प का दबाव है, वो इस विलयन पर ज़्यादा पड़ता है।
लेकिन अगर हम सामान्य बर्तन में खाना बनाते हैं तो वो बाकी जो हवा है या जलवाष्प है वो बाहर निकल जाती है, कुछ जलवाष्प ही उस पात्र में रहती है और इस वजह से खाना बनने में समय लगता है। तो ताप के प्रभाव के कारण यदि किसी द्रव को यदि हम गर्म करते हैं, यदि हमने उच्च ताप रखा, यदि हम उच्च ताप रख रहे हैं तो खाना जल्दी बन जाएगा या ये पानी जल्दी गर्म होगा, और पानी जल्दी गर्म होगा तो इसके भाप के कण भी उतनी ही तेजी से यहाँ पर जमा हो जाएंगे और जमा होने के कारण इसके द्वारा दाब डाला जाएगा। यदि ये पात्र एयर टाइट है तो भाप बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगी और इसका दबाव अधिकतम होगा, लेकिन अगर सामान्य ढक्कन है तो उस कंडीशन में इसका दबाव कम होगा क्योंकि उतना जो प्रेशर आना चाहिए दाब का वो नहीं आ पाएगा। तो ताप अधिक होने से इसका दबाव अधिक होता है और ताप कम होने से इसका दबाव कम होगा। तो इस प्रकार से द्रव में जो गैस की विलेयता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि ताप किस प्रकार इस विलेयता को प्रभावित कर रहा है। नेक्स्ट है दाब का प्रभाव, इसे बताने के लिए एक वैज्ञानिक थे विलियम हेनरी। इन्होंने एक नियम दिया था इस दाब के प्रभाव पर, इसे कहा जाता है हेनरी का नियम। इसके अनुसार स्थिर ताप पर एक निश्चित द्रव्यमान में किसी विलयन का जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा दाब के समानुपाती होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यदि स्थिर ताप होगा, एक निश्चित द्रव्यमान होगा, तो उसका मान हमेशा दाब के मतलब प्रेशर के समानुपाती होगा। यहाँ पर आप दाब बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए आपको मैंने इसके पहले आपको सोडा वाटर का एग्जाम्पल दिया था। सोडा वाटर की जो बॉटल होती है उस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, लेकिन जब तक उसका ढक्कन, उस बॉटल का ढक्कन बंद होता है, उस सोडा वाटर की बॉटल में कार्बन डाइऑक्साइड उच्च दाब पर होती है, लेकिन जैसे ही हम ढक्कन खोल देते हैं तो उसका दाब कम हो जाता है। वो क्यों हो रहा है? दाब के प्रभाव के कारण, क्योंकि उसकी विलेयता अधिक है, ढक्कन बंद होने से उसकी विलेयता अधिक है और दाब का प्रभाव उच्चतम है, लेकिन जैसे ही हम ढक्कन खोल देते हैं तो विलेयता कम हो जाती है और दाब का प्रभाव भी कम हो जाएगा, और जैसे ही दाब का प्रभाव कम होगा तो उस बॉटल में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। जैसे कि इस प्रकार से आप देखेंगे ये यदि बॉटल है और इसमें लीड लगी हुई है और यहाँ पर बुलबुले के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, लेकिन जैसे ही ढक्कन बंद है तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो दाब होगा वो अधिकतम होगा और विलेयता भी अधिकतम होगी, लेकिन जैसे ही इस ढक्कन को हम खोल देते हैं तो दाब उसका कम हो जाता है और विलेयता भी कम हो जाएगी, क्योंकि विलेयता कम होने से इसमें की जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि इस द्रव में घुली हुई है वो पूरी बाहर निकल जाएगी, क्योंकि गैस का काम है बाहर निकलना। तो इस कंडीशन में यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इस बॉटल से बाहर निकल जाएगी और बाहर निकलने के कारण यहाँ सिर्फ लिक्विड बचाएगा, इसमें से कुछ लिक्विड तो बाहर निकल जाएगा और कुछ लिक्विड इसमें बचेगा यदि आप उसको ठहराए नहीं तो। ये आप देखे ही होंगे जो सोडा वाटर की बॉटल होती है, तो हेनरी ने यह देखा कि यदि हम किसी भी स्थिर ताप पर एक निश्चित द्रव्यमान का मान हमेशा
उसके दाब के समानुपाती होता है। यदि इस समानुपाती चिन्ह को हटाएं तो m बराबर kp होगा। तो यहाँ पर k एक स्थिरांक है, तो इसे हम कहते हैं हेनरी का नियम। ये हेनरी के द्वारा दिया गया था। और जो द्रव में गैस की विलेयता होती है वह कम ज़्यादा क्यों हो रही है, इसे बताने के लिए उन्होंने हेनरी का नियम दिया था कि उच्च दाब और उच्च विलेयता में, उच्च दाब व विलेयता हमेशा टाइट बॉटल्स में होगी, लेकिन जैसे ही ढक्कन खोल देंगे तो उसकी विलेयता और दाब का मान कम हो जाता है। नेक्स्ट है तीसरा, घुलनशीलता। घुलनशीलता का क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे हम घुलनशीलता की बात करते हैं कि विलायक में विलेय घुलता है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है वह कितनी मात्रा में घुलेगा या ना घुलेगा। क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि यहाँ पर जो घुलनशीलता होगी वो इस बात पर निर्भर करेगी या उस द्रव में ये गैस क्यों घुल रही है, इस द्रव में ये गैस क्यों घुल रही है, क्योंकि उसके साथ वो बंध बना रही है, इसलिए वो उसके अंदर घुल रही है। यदि वो बंध ना बनाए, क्योंकि इसमें भी आप देखेंगे जो घुलनशीलता होती है वो कुछ विलायक में कुछ विलेय ही घुलते हैं, तो इसके लिए आप देखेंगे कि जो ध्रुवी विलायक होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो मिश्रणी जो द्रव होते हैं दो प्रकार के होते हैं, या विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ध्रुवी रूप में और एक होते हैं अध्रुवी रूप में। यदि हम ध्रुवी विलयन की बात करते हैं या अध्रुवी विलयन की बात करते हैं तो दोनों में एक महत्वपूर्ण अंतर है। ध्रुवी है मतलब दो ध्रुव होंगे, एक धनावेश होगा और दूसरा ऋणावेश होगा, और यदि अध्रुवी है मतलब वो उसमें कोई भी आवेश नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ HCl है, वैसे ये विलायक नहीं है लेकिन ये एक विलयन है, और यदि हम इसमें आवेश की बात करें तो हाइड्रोजन में प्लस आवेश होता है और Cl में माइनस आवेश होता है, लेकिन यहाँ पर हम विलयन की बात कर रहे हैं, तो विलयन में यदि हम ध्रुवी विलायक की बात करें तो हम H2O का नाम ले सकते हैं, H2O, HOH, H प्लस आयन और OH माइनस आयन। तो कोई भी विलयन घुलनशीलता के आधार पर यदि हम देखें तो कोई भी ध्रुवी विलायक ध्रुवी विलेय को ही घुलता है अपने में, किसी भी ध्रुवी विलायक में ध्रुवी विलेय घुलता है और किसी भी अध्रुवी विलायक में हमेशा अध्रुवी विलेय ही घुलता है। जैसे HOH है तो उसमें यदि हमको घोलना है तो हम इसमें C2H5OH एथिल एल्कोहल घोल सकते हैं। ये एक विलायक है HOH, H2O, इसे आप H2O भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये C2H5OH है, यह इसके साथ मिश्रणी है, यह इसमें घुलनशील है क्योंकि इसके साथ ये बंध बनाता है और ये बंध होता है हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो घुलनशीलता होती है ये घुलनशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि कोई भी विलायक ध्रुवी रूप में है या अध्रुवी रूप में है। यदि ध्रुवी रूप में है, ध्रुवी विलायक के रूप में है, तो उसमें ध्रुवी विलेय को ही आप घोल सकते हैं कम या ज़्यादा रूप में, कम या ज़्यादा मात्रा में। अध्रुवी विलायक है, जैसे कि अध्रुवी विलायक के लिए यदि हम देखें H2 है, Cl2 है, हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, ये अध्रुवी है। अध्रुवी और ध्रुवी हम क्यों मानते हैं? क्योंकि यहाँ पर यदि हम अध्रुवी की बात कर रहे हैं तो जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है दोनों समान परमाणु हैं, इनके बीच में जो बंध होगा एक इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा दिया जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के द्वारा दिया जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म बनेगा उस इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचने की क्षमता दोनों में समान होती है, और जब दोनों में समान होती है तो उसे हम अध्रुवी कहते हैं, और जब दोनों में असमान होगी तो उसे हम कहते हैं ध्रुवी। यहाँ पर देखिए
HOH के बीच में यदि हम देखते हैं H2O में, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसको यदि हम लिखें तो इस प्रकार लिखते हैं, ऑक्सीजन इस प्रकार से, या इसे आप इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके बीच में यदि साझेदारी होगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है इसको खींचने की क्षमता उसी परमाणु में होगी जिनकी जिनका जो आकार होता है वो छोटा होता है। आकार छोटा होने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए, इसको मैं अभी विस्तार से बताती हूँ आपको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनके बीच बंध बन रहा है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक देखें, परमाणु क्रमांक 8 होता है, 1s2, 2s2, 2p4, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 और 2 6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की ये साझेदारी करेगा, इसके एक इलेक्ट्रॉन और इसके इस हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन। तो इसके इसको ऑक्सीजन में इस इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचने की क्षमता अधिक पाई जाती है, तो इलेक्ट्रॉन युग्म इसकी ओर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन युग्म का उपयोग दोनों ही परमाणु के द्वारा किया जाएगा। तो जब दोनों ही परमाणु के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की ओर ये ज़्यादा खींचा हुआ है क्योंकि इसकी साइज़ छोटी है, और साइज़ छोटी होने के कारण जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन युग्म भी इसके साथ पहुंच जाता है। तो इस वजह से इस पर ऋणावेश आ जाता है। ऑक्सीजन में ऋणावेश है मतलब OH में ऋणावेश हो गया, और यहाँ जो हाइड्रोजन है इस पर प्लस आवेश हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर जब भी हम धनावेश या ऋणावेश लगाते हैं तो उसका मेन मकसद ये रहता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन, कौन सा परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचता है। जो इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचता है उस पर आंशिक ऋणावेश होता है, और जो उसे नहीं खींच पाता है या कमज़ोर होता है उस पर धनावेश आ जाता है। तो ध्रुवीय विलायक और अध्रुवीय विलायक उसी आधार पर होते हैं। ध्रुवीय मतलब जिसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों ही होंगे, और अध्रुवी का मतलब है जिसमें कोई आवेश नहीं होगा, मतलब समान परमाणु होंगे। चाहे आप क्लोरीन गैस की बात करें, चाहे आप हाइड्रोजन गैस की बात करें, चाहे आप नाइट्रोजन गैस की बात करें, मतलब समान परमाणु। समान परमाणु में जो घुलनशीलता होती है वो घुलनशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि ध्रुवीय विलायक हमेशा ध्रुवीय विलेय को घोलेगा, अध्रुवीय विलायक हमेशा अध्रुवीय विलेय को घोलेगा। तो ये घुलनशीलता के आधार पर हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है चौथा है मिश्रणीयता। मिश्रणीयता के बाद ये देखिए आप, कौन अधिक घुलनशील है। अधिक घुलनशील गैसें या अधिक मिश्रणीय गैसें जो कि किसी विलायक जो कि एक द्रव है इस द्रव में घुल रही है। तो सबसे अधिक घुलनशील गैस की बात करें हम तो इसमें है अमोनिया NH3 सबसे अधिक घुलनशील होती, आसानी से ये घुलनशील हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड है, अधिक घुलनशील गैस है, आसानी से ये उस द्रव में घुल जाती है। लेकिन यदि हम कठिनता की बात करें
कठिनता से या कठिनाई से घुलने वाली गैस है। घुलनशील में आप देखेंगे हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस, ये दो गैसें ऐसी होती हैं जो बहुत कठिनाई से घुलती हैं, आसानी से नहीं घुलती। यदि इसको हमको घोलना है किसी द्रव में तो उसके लिए हमको बहुत जद्दोजहद, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक निश्चित टेम्परेचर, एक निश्चित प्रेशर का उपयोग करेंगे तभी हम इन गैसों को पानी में घोल सकते हैं। यदि हमको द्रव जो कि एक विलायक है उसके अंदर यदि हमको घोलना है तो इसके लिए हम एक निश्चित टेम्परेचर या आप कह सकते हैं कि उत्प्रेरक का उपयोग करना पड़ेगा तभी आप इसको घोल सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप उस उत्प्रेरक को हटा देंगे तो वह प्रक्रिया पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुँच जाएगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो यदि हम किसी द्रव में गैस को घोलते हैं तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के कारक हैं जो कि प्रभाव डालते रहते हैं। और इस प्रकार से ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव, घुलनशीलता का प्रभाव, मिश्रणीयता का प्रभाव, क्योंकि ये जो प्रभाव है ये हमेशा इस बात पर निर्भर करता है कि वह कौन सा बंध बना रहा है। बंध बन रहा है तभी ये मिश्रणीय हो रहा है। यदि बंध नहीं बनेगा तो ये कभी भी इसमें घुलनशील नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस आसानी से बंध नहीं बनाती, इसलिए घुलनशील नहीं होती। लेकिन यहाँ पर अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये आसानी से घुलनशील हो जाती है। और घुलनशील होने के कारण या उनमें घुलने के कारण ही वह विलेय के रूप में एक बंध बना लेती है। इसको आप लोग उतार लीजिए। आपने इसे उतार लिया होगा, हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम दूसरा है ठोस में ठोस की विलेयता। ठोस में ठोस की विलेयता, इसे देखने के लिए सबसे पहले हम ठोस की स्ट्रक्चर हम देखें। यदि हम ठोस की बात करें तो ठोस में इस प्रकार से कोई भी कण एक दूसरे से काफ़ी मजबूती से जुड़े हुए होते हैं और इसलिए किसी ठोस का एक निश्चित आकार होता है। ठोस का निश्चित आकार होता है और यदि हम ठोस जो कि एक विलायक के रूप में है उसमें कोई दूसरा ठोस विलेय के रूप में मिला रहे हैं। यहाँ दो ठोस की बात हो रही है जिसमें से एक होगा विलायक और दूसरा होगा विलेय, क्योंकि यहाँ पर विलेयता हम ले रहे हैं तो विलेयता मतलब एक विलयन तैयार किया जा रहा है जिसमें ठोस विलायक के रूप में है और विलेय जो है ठोस के रूप में है। जब इसे हम घोलते हैं तो ये दो प्रकार से घुलता है, एक तो प्रतिस्थापित ठोस विलेय प्रतिस्थापित ठोस विलयन का मतलब है कि इन ठोस के अणुओं में से किसी एक को प्रतिस्थापित करके दूसरे को वहां पर पहुंचाना है। आपको एक ठोस हटेगा, एक ठोस का कण हटेगा और उसकी जगह पर दूसरे ठोस का कण आकर के वहां मौजूद हो जाएगा और ये इसके साथ बंध बना लेगा। और यदि ये बंध बना रहा है मतलब वो उसमें घुलनशील है। जैसे आभूषण बनाए जाते हैं तो आभूषण में जो अशुद्धि के रूप में चांदी मिलाई जाती है या कोई दूसरा पदार्थ मिलाया जा रहा है, सोने में यदि हम चांदी मिला रहे हैं या चांदी में कोई दूसरी अशुद्ध पदार्थ मिलाई जा रही है, तो इसी प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है और उसको यहाँ पर पहुँचाया जाता है। जैसे हम पहुँचाते हैं तो उसके बाद जो नया जो ठोस
का विलयन हमें प्राप्त होगा, उसमें प्रत्येक ठोस के कण के बीच में, जैसे मान लीजिए ये ठोस का कण है, तो इसके बीच में यहाँ हो सकता है या फिर इस प्रकार से। तो ये जो प्रतिस्थापित पदार्थ, प्रतिस्थापित ठोस है और ये प्रारंभिक ठोस है, ठीक इसी तरह यहाँ पर भी आ सकते हैं। इस प्रकार से ये हो गया आपका प्रतिस्थापित ठोस। ठोस के कण, तो ये प्रतिस्थापित ठोस के कण जो है प्रारंभिक ठोस जो कि एक विलायक के रूप में उसके अंदर ये पहुंच रहे हैं, और पहुंचने के बाद एक ऐसा विलयन प्राप्त करते हैं हम जिसमें ठोस में ठोस की विलेयता मौजूद होती है, लेकिन ये जो है ये पदार्थ है ये ठोस ही होगा। इसे यदि हमको प्राप्त करना है तो पहले इसको हमको क्या करना पड़ेगा, विलयन के रूप में या द्रव के रूप में इसे बदलना पड़ेगा, द्रव के रूप में या अर्ध द्रव के रूप में इसे बदलेंगे हम, जिसके फलस्वरूप प्रतिस्थापित पदार्थ को वहां पर डाला जाएगा, जिससे उसके बीच में एक बंध तैयार हो जाएगा। इनके बीच में एक बंध तैयार हो रहा है और बंध तैयार होने के कारण ये इसके साथ मजबूती से जुड़ जाता है, इसलिए हम पहचान नहीं पाते कि कौन सा अशुद्ध सोना है और कौन सा शुद्ध सोना है, यह हम नहीं ज्ञात कर सकते। तो इसी प्रकार से हम ठोस में ठोस की विलेयता को देख सकते हैं प्रतिस्थापित ठोस विलयन के रूप में। नेक्स्ट है अंतर अवकाशी ठोस विलयन। इस प्रकार यदि हम ठोस में ठोस की विलयता यदि हमको तैयार करनी है तो इसके लिए प्रत्येक ठोस के बीच में कुछ ऐसे स्पेस होते हैं इस स्पेस को कहा जाता है अंतर कोशिकी अवकाश। ये जो अवकाश दिखाई दे रहे हैं ये है अंतर अवकाशी अवकाश कह जाते हैं, या रिक्त स्थान कह सकते हैं। यहाँ पर तो हमने प्रतिस्थापित ठोस विलयन में हमने जो विलायक के ठोस के कण हैं उसमें से उस कण को हटा करके दूसरे ठोस के कण हमने वहाँ पर डाले थे, लेकिन यहाँ पर विलायक के ठोस के कण में जो रिक्त स्थान है यहाँ से किसी ठोस के कण को, विलायक के ठोस के कण को निकालने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमको इसी ठोस के कण में जो रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है उस रिक्त स्थान में ही हमको दूसरा ठोस पदार्थ विलेय के रूप में मिलाना है। तो जिससे जो हमें ठोस का विलयन प्राप्त होगा वो कहलाएगा अंतरा अवकाशी या अंतर अवकाशी ठोस विलयन कहेंगे हम इसे, क्योंकि अंतरा कोशिकी अवकाश के अंदर दूसरे ठोस पदार्थ ठोस विलय, ये दूसरा ठोस विलय है और ये है विलायक, ये विलायक ठोस के रूप में मौजूद है। तो यहाँ पर ये जो ठोस विलेय है, क्योंकि हमको विलयन तैयार करना है, यदि उसमें विलेयता हमको बतानी है तो एक विलायक है जिसकी मात्रा अधिक है और उसमें हमको विलेय पहुँचाना है, और विलेय भी यहाँ पर कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। तो इस प्रकार से हमको इसमें डालने के लिए दो स्थितियों को दिखाना पड़ता है कि एक होगी प्रतिस्थापित ठोस विलयन की अवस्था, दूसरी होगी अंतर अवकाशी ठोस विलयन की विलेयता या अवस्था कह सकते हैं। नेक्स्ट है
तीसरा पॉइंट है द्रव की द्रव में विलेयता। द्रव की द्रव में विलेयता, यहाँ पर विलायक द्रव है और विलेय भी द्रव है। तो यहाँ पर ये देखना है कि जैसे मान लीजिए हम विलायक की बात कर रहे हैं और विलायक को हम ले रहे हैं ए ए, बहुत सारे कण होंगे इसमें विलायक के कण। जैसे हम जल की बात कर रहे हैं तो जल में बहुत सारे कण हैं, H2O के बहुत सारे कण हैं। यदि यहाँ पर H2O, एक H2O को हम A ले रहे हैं, दूसरे H2O को भी हम A ले रहे हैं, इसकी पूरी श्रृंखला होगी यहाँ पर इस प्रकार से, एक दूसरे से मजबूती बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं ये। तो यहाँ पर यदि हम सिर्फ दो A की बात कर रहे हैं, यदि विलायक यहाँ पर ए ए है और यदि विलेय बी बी, यदि विलायक ए ए है, ए ए विलायक द्रव के रूप में घुलनशील है, विलेय है, उसी प्रकार से विलेय जो है यहाँ पर बी बी है। यदि इन दोनों विलयनों को हम मिलाते हैं, ये दोनों द्रव को यदि हम मिलाते हैं तो दोनों द्रव को मिलाने के बाद ये बन जाएगा ए बी। तो ए बी को की जो मिश्रणीयता है या उसकी जो घुलनशीलता है या उनके बीच जो बंध बन रहा है वो इस बात पर निर्भर करता है कि विलायक ए ए की विलेयता, विलेय बी बी की विलेयता से इनके बीच मजबूत बंध बनना चाहिए। यदि ये मजबूत बंध इनकी अपेक्षा कम है तो ये अधिक विलेय नहीं होगा। ये जो ए बी है, ए बी का निर्माण हो रहा है, मतलब यहाँ पर इसे हम कहेंगे विलयन, और ये विलयन है द्रव का विलयन है ये, क्योंकि यहाँ दोनों ही द्रव हैं। इनकी एक अलग विलेयता है, इनकी एक अलग विलेयता है। यदि इन दोनों ही घटकों को, इसको हम एक घटक मान रहे हैं, ये एक दूसरा घटक है, इन दोनों को यदि हम मिलाते हैं तो मिलाने के बाद एक नया विलयन तैयार हो रहा है जो कि ए बी है, क्योंकि ये इसी प्रकार से जुड़ेंगे, ए बी इस प्रकार से जुड़ेंगे। तो इनकी जो, इनके बीच जो बंध बन रहा है उनका मान इनके बीच और इनके बीच बंध से अधिक मजबूत होना चाहिए। इनकी अपेक्षा जब अधिक मजबूत बनेगा तभी इनके बीच विलेयता होगी। यदि यह मजबूत बंध नहीं बन रहा है, इसका मतलब है इस विलायक में यह विलेय घुलनशील नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर ए ए और बी बी की जो विलेयता है इसका मान अधिक है इसकी अपेक्षा, तो बंध नहीं बनेगा, और बंध नहीं बनेगा मतलब इस विलायक में इस विलेय को हम नहीं घुल पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिया यहाँ पर H2O विलायक के रूप में और एल्कोहल लिया हमने C2H5OH विलेय के रूप में, इस इन दोनों को हमने घोला, ये विलायक है ए ए है और ये एल्कोहल जो कि पी बी है, इनके बीच बंध बन रहा है, दोनों ही द्रव है, इनको हमने घोला, घोलने के बाद ए बी का निर्माण हो रहा है, मतलब इनके बीच में एक बंध बन रहा है इस प्रकार से। इस प्रकार से इनके बीच बंध बन रहा है, तो जो बंध बन रहा है उसको हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं, क्योंकि काफ़ी मजबूत है और इसकी वजह से ये इसमें घुलनशील है। तो एक द्रव दूसरे द्रव में यदि मिल रहा है इसका मतलब है कि वह जिनके द्वारा निर्मित हुआ है उनके बीच के बंध से अधिक प्रबल होगा, इनका बंध अधिक प्रबल होगा इनकी अपेक्षा, तो द्रव जो है दूसरे द्रव में घुलनशील होगा। यदि मान लीजिए कुछ द्रव, जैसे हम कहते हैं कि H2O जो कि विलायक है उसमें यदि हम बेंजीन घोलें, बेंजीन के बारे में आप सभी जानते हैं, बेंजीन की स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है, इसमें यदि आप, या पानी में, पानी एक विलायक है, इसमें यदि आप बेंजीन घोल रहे हैं
मिले हैं, इसको आप घोल रहे हैं। तो यहाँ पर ए ए इनके बीच भी बंद मजबूत है, उसी प्रकार से बी बी इनके बीच भी मजबूत बंद है, लेकिन जब इन दोनों को हम मिलाते हैं तो इनके बीच बंद नहीं बनता। मतलब ए बी का जो मान है, ए बी के बीच जो बंद बन रहा है वो सक्सेसफुल नहीं है, मजबूत बंद नहीं है, इसलिए ये दोनों जो हैं एक दूसरे में आमिश्रणीय है, इसमें ये नहीं घुल सकते। क्यों नहीं घुल रहे हैं? क्योंकि इनके बीच का जो बंध है बी बी और ए ए के बीच अलग अलग रूपों में जो बंध का निर्माण है वो अधिक मजबूत है ए बी के अपेक्षा, इसलिए ये इसमें घुलनशील नहीं होगा। मतलब यहाँ पर आप ये देखिए, यदि हमको विलायक में विलेय को घोलना है तो उसके लिए इनका इनके बंध की जो प्रबलता होगी वो बनने वाले बंध से कम होनी चाहिए, इनकी प्रबलता कम होनी चाहिए इनकी अपेक्षा, तभी ये विलायक विलेय के साथ मजबूत बंध बनाएगा। और यदि ये नहीं बना रहा है इसका मतलब है यह अधिक प्रबल है, यह कम प्रबल है, इसलिए बंध नहीं बनाएगा। जैसे हम रेत में पानी में हम रेत मिलाते हैं तो उसके साथ बंध नहीं बनाता है, या हम पानी में हमने बेंजीन खोला इसके साथ बंध नहीं बनाता है, या आप पानी में तेल डाल दीजिए, यदि हम पानी में तेल डालते हैं तो कुछ समय तक हमें लगता है कि ये मिल चुका है उसमें। आपने देखा होगा कभी पानी में तेल मिल जाता है या पानी में घी मिल जाता है, लेकिन घी तो ऐसा है कि जम जाता है, और यदि हम उसे ठंडा करें तो घी ऊपर आ जाएगा, पपड़ी के रूप में जमा हो जाएगा और पानी नीचे रह जाएगा। आसानी से उसे हम अलग कर लेंगे घी की पपड़ी को, और फिर उसे हम गर्म करके उसको वाष्पीकृत कर लेंगे उसमें के पानी को, और शुद्ध अवस्था में हमें घी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि हमको पानी में से तेल को अलग करना है तो बहुत टेढ़ी खीर है, आसानी से आप अलग नहीं कर पाओगे। लेकिन एक काम ये किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये मिश्रणीय द्रव कह सकते हैं इसे हम, और इसे हम अमिश्रणीय द्रव कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है घुलनशीलता अधिक है, क्योंकि इनके बीच मजबूत बंध बन रहा है, इनके बीच मजबूत बंध नहीं बन रहा है। और तीसरा इसमें ये हो सकता है कि ये आंशिक मिश्रणी हो, आंशिक बंध बनाए। तो आंशिक बंध तभी बनेगा जब ये आंशिक रूप से मिश्रणी हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बताया कि पानी में यदि तेल मिलाया जाता है और उसे आप हिला दीजिए, हिलाने के बाद ऐसा लगेगा कि वो घुल चुका है, और उसके बाद आप 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे आप तो तुरंत ही दोनों की लेयर अलग अलग स्पष्ट दिखाई देगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने पानी और ये तेल के रूप में हमें अलग स्पष्ट लेयर दिखाई देगी, तो ये आंशिक बंध बन रहा है, इसमें पूरी तरह से बंध नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगा हमें कुछ समय पहले कि ये इसमें इसके बीच में बंध बन चुका है, ए बी बंध बन चुका है, लेकिन कुछ समय के पश्चात 10 मिनट के पश्चात ये पता चलता है कि ये इसके साथ मिश्रणी नहीं है, और मिश्रणी नहीं है इसका मतलब इनके बीच में बंध नहीं बन रहा है, आंशिक मिश्रणी है। आंशिक मिश्रणी है कि प्रारंभ में हमें आभास हो रहा था कि ये मिल चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमें सिर्फ आभास होता है, वास्तविकता में आगे कुछ समय देखने के बाद हमें पता चलता है कि ऐसा नहीं है, ये जनरली ये अमिश्रणी के रूप में मौजूद होता है। तो नेक्स्ट है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि द्रव की द्रव में विलेयता या द्रव में गैस की विलेयता, ठोस में ठोस की विलेयता किस प्रकार से होती है। इसी प्रकार हम ये देखें गैस में ठोस की विलेयता, गैस में ठोस की विलेयता है। यदि गैस में ठोस की विलेयता है, जैसे मान लीजिए हम गैस कोई भी गैस ले रहे हैं, जैसे अगर हम वायु की बात करते हैं, वायु में कोई ठोस हो
जैसे वायु में हमने एक ठोस विलेय के रूप में मिलाया कार्बन, तो ये पूर्णता मिश्रणी होगा या नहीं होगा? यदि हम वायु में कार्बन मिलाते हैं, वायु यहाँ पर विलायक है और विलेय यहाँ पर कार्बन है। कार्बन को आप धुआं भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम यदि देखें, यदि धुआं का निर्माण हो रहा है तो धुआं अपने आप नहीं बनता, बल्कि वायु जो कि एक विलायक के रूप में हमारे आसपास मौजूद है उसमें ये कार्बन मिल जाता है। तो कार्बन का निर्माण कैसे हो रहा है? लकड़ी जलाते हैं या जितने भी प्रदूषण होते हैं, प्रदूषण में से कार्बन निकलती है और ये कार्बन वायु में मिल जाती और मिलने के बाद धुआं का निर्माण हो जाता है। जैसे कहा जाता है कि जितने भी कारखाने होते हैं उनकी चिमनियों में, चिमनियों की ऊंचाई काफ़ी लंबी होनी चाहिए ताकि आसपास के वातावरण में ये धुएं का जो प्रकोप है, या हम कह सकते हैं ये जो धुआं यदि कारखानों से निकल रहा है तो वो रासायनिक धुआं होगा, लेकिन अगर लकड़ी से निकल रहा है तो वो एक सामान्य कार्बन होगा। तो इस प्रकार से जो धुआं प्राप्त हो रहा है, ये धुआं वायु में कार्बन की उपस्थिति होगी, जब वायु में कार्बन उपस्थित होगा तो इससे धुआं का निर्माण हो रहा है, लेकिन ये पूर्णतः मिश्रणी नहीं है क्योंकि वायु के साथ ये कार्बन जो है क्रिया नहीं कर रहा है। क्रिया करके ये क्या बना रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रहा है, दोनों ही रूपों में मिश्रित है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है और कार्बन के रूप में, कई रूपों में मिलती है कार्बन, और ये धुएं के रूप में हम इसे अपने वातावरण में देखते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो गैस में यदि ठोस की विलेयता हम देखते हैं तो ये आंशिक मिश्रणी के रूप में होता है, लेकिन यदि हम इसको रासायनिक समीकरण के रूप में देखें तो इस प्रकार से हम इसे बता सकते हैं। सभी हानिकारक गैसें हैं। यदि आप कार्बन की बात करें, कार्बन एक ठोस है, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ये सभी जो है काफ़ी हानिकारक होते हैं। यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति में बहुत कम मात्रा में है, लेकिन अगर इसकी मात्रा और ऑक्सीजन की मात्रा, इनका अगर सही बैलेंस ना हो तो वातावरण में जो वायुमंडल का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, और बढ़ ही रहा है। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रही है। जनसंख्या बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है उसके कारण, और आप देखेंगे कि जो घर बन रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, और शहरीकरण के कारण जो लकड़ियाँ काटी जा रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है, और बिगड़ने के कारण पूरा वायुमंडल जो है प्रदूषित हो रहा है, और साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और नदियों का पानी सूख जा रहा है। समुद्र में भी आप देखेंगे कि वहाँ के जो जीव हैं वो मर जाते हैं, लेकिन समुद्र इतना अथाह है, इतना गहरा है कि हमें उसका आकलन करना नहीं हो पाता। हम आकलन करने जा पाते हैं क्या वहाँ? नहीं करने जा पाते, क्योंकि काफ़ी बड़ा है। यदि हम तालाब की बात करें तो उसका हम आकलन कर सकते हैं। यदि तालाब में से बदबू आ रही है, मतलब वहाँ जीव मर रहे हैं, लेकिन समुद्र में ये नहीं किया जा सकता। तो समुद्र का पानी खारा क्यों है? जो जीव वहाँ मरते हैं वो वहीं मौजूद है, लवण है ना उसके अंदर। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो विलयन है इस पर कारकों का प्रभाव पड़ता है, और किस प्रकार से किसी विलायक में विलेय यदि घुल रहा है तो वह कितने परसेंट घुल रहा है, मिश्रणी रूप में है, अमिश्रणी रूप में है, या आंशिक मिश्रणी रूप में है, ये हेनरी के द्वारा जो है बहुत अच्छी तरह से इसे समझाया गया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो विलेयता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि जल में ऑक्सीजन की मौजूदगी हो, वायु में कार्बन की मौजूदगी हो, या किसी भी रूप में हो। तो इस प्रकार से आप देखेंगे विलेयता को हम विभिन्न प्रकार से इसे समझा सकते हैं। थैंक यू।